ABPS News। जिला शामली में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला शामली के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार मौजूद रहे। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सरकार से मांग की है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के निर्माण की व्यवस्था पंचायत एक्ट के अनुसार की जाए या फिर इस योजना से प्रधानों की भागीदारी खत्म की जाए, क्योंकि दोनों ही योजनाओं में मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों को मुहैया कराई जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लाभार्थी धनराशि मुहैया होने के बाद भी इज्जत घर नहीं बनवा रहे हैं, तो उसका दोषी प्रधानों को माना जा रहा है तथा प्रधानों पर कार्यवाही की जा रही है, जो कि प्रधानों के साथ अन्याय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा प्रधानों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें हर माह प्रत्येक प्रधान को 2 से 3 बार कॉल की जाती है तथा उनसे उनकी समस्या पूछी जाती है तथा उसके निस्तारण की हर संभव कोशिश की जाती है। उन्होंने बताया कि हमारा अखिल भारतीय प्रधान संगठन पूरी तरह से अराजनीतिक है, इसका किसी पार्टी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी मांगे सिर्फ सरकार के समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि सरकार को हमारी मांगे पूर्ण करने का अधिकार मिला हुआ है। हमारी वर्तमान सरकार से मांग है कि प्रधानों व ग्राम पंचायतों को अपनी एजेंसी ना समझते हुए उन्हें ग्राम पंचायत का दर्जा देकर उन्हें उनके अधिकार दिए जाएं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 822 ब्लॉक हैं, 18 मंडल हैं। हमारा जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कई सारे देशों से भी बड़ा हमारा प्रदेश है। तो इस प्रदेश को पूरे को पूरा अखिल भारतीय प्रधान संगठन एक दौर में हम लोग पंचायत व्यवस्था को मारने का काम कर रहे हैं, सारे प्रधान साथियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम अखिल भारतीय प्रधान संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है संवाद प्रतिक्रिया, जिसमें हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से महीने में 1 से 2 बार 63,000 ग्राम प्रधानों को उनकी समस्याएं सुनते हैं, उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास। अभी आप देखेंगे तो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है शौचालय को स्वच्छता को लेकर, जिसमें अलग अलग जनपदों में उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें लाभार्थी को 12,000 रुपये अंशदान उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की तरफ से लाभार्थी को दिया जा रहा है। कई जनपदों में तो ये सीधा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में या उनको चेक काट कर लाभार्थी को ये पैसा देने का काम प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कारण बहुत सारे हैं, उन कारण बस वो लाभार्थी अगर शौचालय नहीं बनाता है तो उसका दोषी सीधा सीधा हमारे प्रधान को बनाया जाता है, जबकि प्रधान का उसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। जब प्रशासन ने सीधा पैसा लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो उस पर प्रधान का क्या दबाव बन सकता है। तो इसको लेकर हम प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि या तो आप जो पंचायत एक्ट में जो प्रधान को अधिकार है, आप उस अधिकार के अधीन इस व्यवस्था को लागू करिए, या आप सीधा सीधा अगर आप लाभार्थी को अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद स्वयं बनिए। इसमें हमारे प्रधान साथी को दोषी क्यों बना दिया है? वो अलग अलग पार्टियों में अपनी विचारधारा रखते हैं। संगठन की बात करें तो संगठन पूर्ण रूप से अराजनीतिक है, और जो प्रेजेंट में सरकार है, हम सरकार से अपनी मांग रखते हैं, किसी पार्टी विशेष से अपनी मांग ना रखें। मोदी जी ने शौचालय के लिए पैसे दिए, जैसा आप बताया भी बताया, क्योंकि प्रदेश में और राष्ट्र में बात कही उन्होंने भी, और सफाई के लिए भी कहा, तो गांव में जो गंदगी है उसको किसका पूरा प्रशासन उसका, क्योंकि पूरी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में, और गांव पंचायत को भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत लंबे समय से नहीं, जब से पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई है और जब से ये देश आज़ाद हुआ, उसी आज़ादी की लड़ाई को हम पूर्ण रूप की आज़ादी की लड़ाई के रूप में हम लोग लड़ रहे हैं। पंचायतों को पूर्ण रूप से आज़ादी दी, पंचायतों को यहाँ की सरकारें अपनी एजेंसी के रूप में चला, प्रधान को अपने एक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो अधिकार संविधान के द्वारा गांव पंचायत को दिए जाने चाहिए वो अभी उत्तर प्रदेश में लागू ही नहीं है।
उसके पास अधिकार तो है ही नहीं। जैसा मैंने अभी बताया आपको, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है भाई। आप प्रधान के खिलाफ काहे करा रहे हो भाई? और उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, जेई की होती है, उसका एमबी होती है, एमबी के बाद बिल बनता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कहीं भी अगर कोई अनियमितता है तो उसमें सीधा प्रशासन दोषी है। अरे प्रधान की गलती कैसे है भाई, जब उसको आप अधिकार ही नहीं दे रहे, सारा का सारा उसको एक तरह से एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। सीधा 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 प्रशासन उसका जो कहते हैं उसको करने का काम कर रहा है, उसका समय से एस्टिमेट नहीं बन रहा। एस्टिमेट बनने के बाद में अगर उसका एमबी नहीं हो रही तो ये किसका दोष है? ये सीधा प्रशासन का दोष है। हम उन अधिकारों से पंचायत राज एक्ट से 10% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 29 अधिकार 92-93 में पंचायत राज विभाग को पंचायत दिए गए हैं, और वो भी आधे अधूरे हैं।